तो अभी मैं खड़ा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 333। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले क्यों बुला लेते हैं। आधा घंटा लगता है चेकिंग वेकिंग होने में सब में, पहले 2 घंटे होते थे अब 3 घंटे कर दिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी को पता है कि 3 घंटे पहले क्यों बुला रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए ताकि सबको पता चल सके। मैं तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि क्यों बुलाया 3 घंटे। यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, चलो ब्लॉग ही बना लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप चौहान। तो मैं आज आपको लेके जा रहा हूं कलकत्ता, यानी कि कोलकाता, जो कि बहुत ही प्यारी जगह है। आपको घुमाएंगे, पूरी सीरीज आने वाली है, बने रहिए चैनल पे एंड वीडियोस को इन्जॉय कीजिए। भाई बोर हो रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, थोड़ा वॉक भी हो गया, मॉर्निंग वॉक। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, ज़रा कुर्सी बैठ जाऊँ। भाई एक बात बताऊँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा खाने पर, बिकॉज यहाँ पर लॉन्च एक्सेस है, एयरपोर्ट लॉन्च है। वहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड को स्वैप करके सिर्फ 2 रुपये में खाना खा सकते हैं। डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, जिस पे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस अवेलेबल है, आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी या डेबिट कार्ड कंपनी से कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। एंड बहुत लोगों को शायद पता भी होगा, पर मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर लोग एयरपोर्ट पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं करते हैं। अगर आपने कभी नहीं करी है तो प्लीज़ कीजिए, 2 रुपये में पेट भर के खाना खाइए। पूरा बफे लगा होता है, सैंडविच, जूस, ब्रेड, ऑमलेट, कॉफ़ी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर, तो यू मस्ट ट्राई दैट। पता मुझे याद एक बात चली जो शायद आपको भी नहीं पता होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम कुछ और था। सबसे अच्छी बताना किसको पता था किसको नहीं पता, पहले इस एयरपोर्ट का नाम था पालम एयरपोर्ट, और उससे पहले ये एयरपोर्ट जो होता था वो सफदरजंग में होता था। आई एम श्योर बहुतों को नहीं पता होगा कि इस एयरपोर्ट का जो यूज़ है एक्चुअली वर्ल्ड 2 के टाइम पर हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब इस एयरपोर्ट का निर्माण किया था, इसको एयरफोर्स ने यूज़ किया था। उसके बाद डिमांड बढ़ती गई, पैसेंजर ज़्यादा आते रहे, और ये एयरपोर्ट सफदरजंग से शिफ्ट करके पालम में आ गया। फिर इसका नाम 1962 में, आई एम नॉट 100% श्योर, बट 1962 में इस एयरपोर्ट का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। बाकी अभी सुनने में आया कि एक जगह है दिल्ली एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी है, जेवर एयरपोर्ट बनने वाला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा। भाई ये सारी बातें मुझे भी आज ही पता चली है, और ये सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप मान नहीं सकते, ये एयरपोर्ट 5000 एकड़ से ऊपर ज़मीन पर बना है। बहुत ही बड़ा नंबर है भाई, ये बहुत ही बड़ा। एंट्रेंस ले कर गेट तक पहुँचते पहुँचते टांगे थक जाती है। शुक्र करो भाई न्यूज़ चल रहे हैं एयरपोर्ट पे, नहीं तो बोर हो गया मैं तो, बैठे बैठे नींद ही आने लग गई। तो भाई 6 o'clock के आसपास फ्लाइट उड़ी थी और 8 o'clock पर लैंड कर दिए, तो हम टाइम से कोलकाता पहुंच गए हैं। बाहर एक बहुत ही प्यारा बंदा, मतलब मिस्टर कोलकाता, वेट कर रहा है। मैं जैसे ही बाहर पहुंचता हूं आपको मिलवाता हूं उससे। भाई अगर लड़कियां देख रही ना तो दिल थाम के बैठ जाओ, मतलब आपको प्यार होने वाला है, बस जल्द ही मिलेंगे। भाई अब जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, डोमेस्टिक का एयरपोर्ट यहां से मैंने एग्जिट किया है, सामने ही प्रीपेड टैक्सी बूथ है, आप वहां से टैक्सी ले सकते हैं या फिर ओला उबर कर सकते हैं। मैं नहीं टैक्सी कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरा फ्रेंड अभी आ रहा है, उसने कहा वेट कर, विद इन 5 मिनट्स आई विल बी हियर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिस्टर कोलकाता से मिलवाऊंगा, वन ऑफ द डैशिंग एंड हैंडसम बॉय, एंड वो है मेरा भाई ये रहा, इनका नाम है रुद्र। गले में 10-10 रुद्राक्ष पहन के घूमते हैं, शायद ज्यादा ही पहनते होंगे ना, कितने रुद्राक्ष पहनता तू? 108
108 रुद्राक्ष पहनता है। मजाक कर रहा है भाई, कुछ नहीं पहनता, एक भी नहीं पहनता। पर भाई मेरे को लेने आया स्पेशली, मैं तो कैब बुक करने वाला था। थैंक गॉड कि इसका फ़ोन पहले आ गया, नहीं तो बस कैब बुक ही थी, ऑलमोस्ट बुक ही थी, बस क्लिक करना था और डन था। पर सडनली से कॉल आया कि मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट के बाहर। जैसे ही यहां पे एयरपोर्ट के बाहर ही पिलर नंबर्स हैं, तो लैंडमार्क लोग उसी को देते हैं कि B8, B10, B17 ऐसे ऐसे। मैं B17 में खड़ा था, तो उसने मुझे वहाँ से पिकअप कर लिया। अभी फ़िलहाल हम कोलकाता के अंदर जा रहे हैं एयरपोर्ट से निकल के बाहर, और जैसे ही पहुँचते हैं आगे की वीडियो बनाते हैं। हाँ है भाई, होटल लेके बस एयरपोर्ट से बाहर निकल के अब सीधा जा रहे हैं होटल ढूंढेंगे, बिकॉज मैं बहुत थक गया हूँ, रात से निकला हुआ हूँ। रेस्ट करूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा और सोऊँगा। बाकी वीडियो चलती रहेगी, आप इन्जॉय कीजिए। बाकी सीरीज़ बनाएंगे पूरी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं सारी वीडियोज़, मज़ा आने वाला है। लेकिन हाँ, आज मैं टैटू बनवाने वाला हूँ, तो बिज़ी रहूँगा टैटू में, लेकिन थोड़ा बहुत क्लिप्स बना लूँगा। बहुत वन ऑफ द फेमस टैटू आर्टिस्ट है यहाँ पर, वहीं बनवाएंगे। अच्छा है? आप जानते हैं उनको? हाँ, लिजर्ड स्किन टैटू, निलोय दास। लिजर्ड स्किन टैटू, निलोय दास, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू कोलकाता। बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं कोलकाता। दिल्ली में मौसम बहुत ठंडा है, और यहाँ पे पतली सी जैकेट पहन रखी है, बट आई एम स्वेटी, स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है। धूप भी बहुत तेज है, और दिल्ली में तो धूप निकली नहीं है, बहुत दिन हो गए। इट्स बीन 5 days, ऑलमोस्ट 5 days अ वीक कि मैंने सूरज देखा भी नहीं है, और यहाँ पे तो मौसम गर्म है। अभी आई थिंक 22 degree टेम्परेचर है। 17 17। हाँ, वो पायलट बता रहा था 22 है। नहीं, 17-18। तो गाड़ी बता रही है 18 के आसपास है। बाकी मोबाइल में चेक करते हैं, अभी फ़ोन अपडेटेड नहीं है, बट यस गाड़ी बता रही है कि 18 है, तो 18 होगा। भाई अगर आप दिल्ली NCR से, तो बताओ ये टैक्सी कितने सालों बाद देखी होगी आपने, ईमानदारी से बताओ कमेंट करके। ऐसी टैक्सी कहाँ कहाँ दिखती है अब? तो भाई अभी अभी आए हैं हम एल्गिन रोड पे, और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं ये कोई छोटी छोटी कचौड़ियाँ हैं, क्लब कचौड़ी इसे कहते हैं, क्लब कचौड़ी। यहाँ पे शॉप है भाई, बेहतरीन कचौड़ी है क्लब कचौड़ी, बहुत ही उम्दा टेस्ट है, मज़ा आ गया। थोड़ा पूड़ी और कम कचौड़ी वाला फ्लेवर है। सब्जी बहुत ही प्यारी है भाई, मस्ट ट्राई दिस वन। भाई अगर आप कभी कोलकाता आते हैं, यू मस्ट ट्राई, यहाँ पे चाय पीना तो अनिवार्य है, मैंडेट है। कुल्लड़ वाली, हाँ कुल्लड़ वाली चाय मिस मत करना, बहुत ही प्यारी चाय है। पर यहाँ पे क्राउड बहुत है भाई, पै 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 लगे हुए हैं लोग हॉर्न बजाने में। लो प्लेट जी भाई, कितने हो गए बता दीजिए प्लेट भैया? 250 रुपये हो गए। कितने हो गए? 250। कितने का लगाया तुमने क्लब के चूड़ी? 60 रुपया प्लेट कचौड़ी, 35 रुपया करके अच्छा है। चलो चलो बहुत बढ़िया। कितने हो गए? 250। 250 रुपये हो गए, 3 प्लेट कचौड़ी और 2 चाय। भैया के पास जलेबी भी है? जलेबी है, जलेबी, गुलाब जामुन, चाय, लस्सी। शाम को आगे खाएंगे जलेबी, चाय, लस्सी, सब कुछ, कॉफ़ी वगैरह भी है। पर खाना स्वाद है भैया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? शर्मा जी, शर्मा शर्मा जी है, मतलब शर्मा वाले हैं ये पंडित जी। खाना अच्छा भाई, वर्थ है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम निकल चुके हैं यहाँ से, और हम जा रहे हैं सीधा टैटू शॉप पे, और वहाँ पे जब टैटू की शॉप पे पहुँचेंगे तो आपको बताते हैं कि कहाँ पे लोकेशन है और कौन हमारा टैटू बनाएगा। तो गाइज ये है साउथ सिटी मॉल कोलकाता में, राइट इन फ्रंट ऑफ दैट, राइट ऑपोजिट, दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, लिजर्ड्स स्किन टैटूज। यहीं पे हम टैटू बनाएंगे, ये वाला है।